स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं महेश आहूजा। आज हम एफटीआर सीरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने जिन टॉपिक्स को रखा है वह टॉपिक्स हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, और शुरुआत के प्रश्न जो है वो बौद्ध धर्म से होंगे और उसके बाद हम जैन धर्म को डिस्कस करें। पहला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है भगवान महावीर के जीवन के बारे में और उनके जीवन के प्रतीकों के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यह जो समय है ये 6वीं शताब्दी का समय है और 6वीं शताब्दी का समय धर्म सुधार वाला समय भी कहलाता है। इस समय भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी धर्म के सुधार चल रहे थे, चाहे वो चीन हो जाए। और उसी समय समकालीन भारत में दो क्षत्रियों ने भी धर्म सुधार का अगुवाई की थी। इनमें दो क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के नाम आते हैं। तो इस धर्म सुधार को ही हम देखेंगे और सबसे पहले हम जिस धर्म को देखने वाले हैं वह है बौद्ध धर्म। भगवान महावीर के जीवन को दिखाया गया है और यहाँ पर प्रतीक दिखाए गए हैं। तो अगर हम भगवान महावीर का जीवन डिस्कस करें तो पहले हम डिस्कस करेंगे उनका जन्म, फिर हम डिस्कस करेंगे उनका गृह त्याग और उसका क्या प्रतीक था। गृह त्याग के बाद उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था इसकी हम चर्चा करेंगे, और प्रथम उपदेश के बाद उनकी मृत्यु, यह सब हम गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म का जो डेट आता है वो 563 BC से लेकर 483 BC का डेट आता है, मतलब 80 वर्ष की इनकी आयु रही थी। इनकी आयु कितना रहा था तो इनकी आयु जो है वो 80 वर्ष की आई थी। यह 6वीं शताब्दी का समय था। इनका जन्म नेपाल के तराई में कपिल वस्तु में हुआ था और लुम्बिनी नामक वो इनका ग्राम था, ये हमने डिस्कस किया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम याद रखिएगा शुद्धोधन इनके पिता का नाम है, और इनकी माता का नाम है महामाया, जो इनके जन्म के कुछ समय के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो पिता शुद्धोधन और माता है महामाया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जन्म का जो प्रतीक है वहां पर आपको याद रखना है कमल, कमल के बाद आपको याद रखना है बैल, और कमल बैल हाथी, ये जो है ये जन्म के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। जन्म के कमल बैल हाथी के बाद गृह त्याग की बात करते हैं। तो अगर हम इनके गृह त्याग की बात करें, गौतम बुद्ध के चार दृश्यों के नाम आते हैं। चार दृश्य उन्होंने कौन कौन से देखे जब वो घर से निकले, तो उन्होंने चार दृश्य देखे। पहला दृश्य में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे दृश्य में याद रखो तीसरे दृश्य में उन्होंने एक अत्येष्टि देखी, मतलब उन्होंने एक अर्थी देखी अर्थी, और चौथे दृश्य में देखा था उन्होंने एक फकीर। तो देखो ये चार दृश्य जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन की दिशा को ही मोड़ देते थे। पहले दृश्य में उन्होंने एक जर्जर कुरूप वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति जो है वो अपनी शैया से उठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, चलने फिरने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने समझा कि यह वेदना यह दुख मुझे भी तो हो सकता है। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसकी पत्नी दुखी थी और अपने पति से उठने के लिए कह रही थी, बाल बच्चों को देखा वह भी अपने बीमार पिता को देखकर दुखी थे। तो यह दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा और वह भी बहुत दुखी हुए थे। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, मतलब अर्थी को देखा, अर्थी को ले जा रहे थे कुछ लोग। चौथे दृश्य में उन्होंने देखा, देखो इन तीन दृश्यों में दुख को देखने के बाद चौथे दृश्य में उन्होंने एक फकीर को देखा और यह पाया कि वो फकीर जो है मोह माया को दूर छोड़ते हुए भगवान का नाम जपते हुए भजन करते हुए जा रहा है और वह बहुत खुश है, मस्त है, मजे में। तो उन्होंने यह पाया कि यह संसार जो है उनकी शिक्षा ने ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यह जो पूरा संसार है यह दुखों से भरा हुआ है और खुश वही व्यक्ति है जो सन्यासी है, जो फकीर है। इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं में भी संसार में दुख फैला हुआ है और दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी जैसे उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी। यह सब देखते हुए अब याद रखना, यह सब देखते हुए उन्होंने गृह त्याग किया था। तो अब एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, सोता हुआ छोड़कर एक तो अपने बेटे राहुल को, दूसरा अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर उन्होंने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़े को माना जाता है, अश्व को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, और इसे आप कहते हो महाभिनिष्क्रमण, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यह भी याद रखना, और प्रतीक क्या हो जाएगा घोड़ा। अगला गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ज्ञान प्राप्ति जहां पर भी लगा तो याद रखना निरंजना, निरंजना के बाद उसी के साथ में याद रखना बोध गया, और बोध गया के साथ में आपको एक वृक्ष का नाम याद रखना है जो है पीपल।
महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है 5 वर्ष की तपस्या के बाद 6वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी पर? तो बोलोगे निरंजना। किस स्थल पर? तो बोलोगे बोधगया। और किस वृक्ष के नीचे? तो बोलोगे पीपल। जिस स्थल पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थल को नाम जाना जाता था बोधगया के नाम से जाना गया था, और वृक्ष है उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी 5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 6वें वर्ष में। नदी स्पॉट और उसके साथ में वृक्ष मैंने आपको बता दिया है, उस बोधि वृक्ष को ही उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बताया गया है। तो अगर ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोलेगा तो वह आएगा बोधि वृक्ष, और इसे संबोधि भी कहा जाता है, संबोधि के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि हमने देखा गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाते हैं, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब वो अपना पहला उपदेश देंगे, और पहला उपदेश देने के लिए वो पहुंचे थे सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में जगह का नाम भी याद रखना है, यह जगह का नाम था ऋषि पत्तन। सारनाथ में ऋषि पत्तन जगह पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उन 5 ब्राह्मणों को, जिन 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने कठोर तपस्या की थी। लेकिन 5 को नहीं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन 5 ब्राह्मणों को बैठाकर, और 1 पर्सन यश और थे, इन लोगों को बैठाकर उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था। और इसी सारनाथ के ऋषि पत्तन में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की भी स्थापना की थी। इसका जो प्रतीक था, इनके प्रथम उपदेश का जो प्रतीक था, वह प्रतीक जो है वो चक्र को माना जाता है। तो प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो प्रतीक आएगा चक्र, और उसे आप धर्म चक्र इसका प्रतीक है, और उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर उपदेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म चक्र। ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, और जब जन्म की बात करेंगे तो आ जाएगा कमल और बैल। आगे हम गौतम बुद्ध के मृत्यु की बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मृत्यु जो है इनकी कुशीनगर में हुई थी, जो कि वर्तमान यूपी में पड़ता है। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। मृत्यु कब होगी? 483 BC में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होगी, जहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसको आप महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हो। महापरिनिर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति तो सभी को होती है, इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और मृत्यु के प्रतीक के रूप में स्तूप को जाना जाता है। तो स्तूप याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा। तो यह हमने भगवान गौतम बुद्ध के जीवन को डिस्कस किया, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय के पहले, अपने ज्ञानोदय के पहले दशक के दौरान, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के जस्ट बाद गौतम बुद्ध ने, उनका कालक्रम बताइए कि वो कहां कहां गए थे अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो अभी हमने देखा कि उनको ज्ञान प्राप्ति जो है बोधगया नाम के स्थान पर हुई थी, बोधि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम था पीपल का वृक्ष था। तो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश कहां दिया, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, एक्चुअली इसको कुछ ऐसा लिखना है ऋषि पत्तन। अच्छा, अब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया ऋषि पत्तन नामक स्थान पे, जहां पर उन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना की थी। तो ऋषि पत्तन जो है पहले गए होंगे। ऋषि पत्तन के बाद अब ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया उनका पहला विजिट। दूसरा विजिट उनका याद रखना है राजगिरी में, जहां पर पहली बौद्ध संगति भी हुई थी, और अगला विजिट उनका याद रखना है वैशाली में, जहां पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। राजगिरी में भी सप्तपर्णी गुफा में इनकी पहली बौद्ध संगति हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु के बाद संगति हुई थी, और वैशाली जो है वह दूसरी संगति के लिए नाम जाना जाता है। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं कि उनका क्या सिक्वेंस था ज्ञान प्राप्ति के बाद, और उसके बाद अगला जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन बी। तो ये इनका सीक्वेंस होगा ज्ञान प्राप्ति के बाद ट्रेवल का। तो आंसर दिख रहा है डी, आंसर दिख रहा है यहां पर डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मैं पहले ही बताया हूं, यहां पर जरूर आइडेंटिफाई कर लेना कि सही कथन छांटना है या गलत कथन छांटना है। क्या बोला है? बौद्ध धर्म की जातक कथाएं क्या बौद्ध सिद्धांत का भाग है? मतलब यहां पर भी लिखा है कि नहीं है। विनय पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं के दार्शनिक विचार है, और अभिधम्म पिटक जो है प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा जाता है। यहां पर बौद्ध साहित्य की बात हो रही, यह जो प्रश्न है यह बौद्ध साहित्य है, तो थोड़ा सा बौद्ध साहित्य को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बौद्ध साहित्य में यह याद रखना
कि बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में मिलते हैं, ये संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं और चीनी और तिब्बती भाषा में भी मिलते हैं। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं तो आप याद रखना पाली भाषा, और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश भी इसी भाषा में दिए थे। इतना देखने के बाद जो बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ होते हैं, मूल ग्रंथ, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी आपको मालूम है कि त्रिपिटक कहा जाता है, तो चलो मैं इनके बारे में वन बाई वन डिस्कस करता हूं। पहला जो पिटक है वो सूत्र पिटक कहलाता है, दूसरा जो पिटक है वह विनय पिटक कहलाता है, और तीसरा जो है वो अभिधम्म पिटक कहलाता है। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यह तीन मूल ग्रंथ है जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। सूत्र पिटक की रचना किसने की, तो मैं बता दूं कि सूत्र पिटक की रचना जो है वो आनंद ने की थी, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। दूसरा, ये इनके प्रिय शिष्य थे और इनके कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया था बौद्ध संघ में। विनय पिटक जो है, विनय पिटक की रचना करने वाले थे उपाली, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे, तो विनय पिटक के लिए उपाली का नाम याद रखना। और अभिधम्म पिटक जो कि बाद में जुड़ा, इसकी रचना करने वाले थे मोगली पुत्र तिस ने इनकी रचना की थी। तो नाम तो आपने सुन रखा होगा, इसीलिए मैं ज्यादा सफाई से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तो रचना किसने की थी यह हमको समझ में आ गया। सो बौद्ध धर्म के शिक्षा और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, या फिर आप कह सकते हो बौद्ध धर्म के जो उपदेश है, वह सब आपको किसमें मिलते हैं, वह सूत्र पिटक में मिलते हैं। और यह जो है पांच निकायों में बटा हुआ था, वह भी याद रखिएगा कितने निकायों में बटा था, तो पांच निकायों में बटा हुआ था, जिसमें पांचवा जो निकाय था वह था जातक कथाएं। यहां से आपके जो प्रश्न है वो आ जाता है, पांचवा निकाय था जिसमें जातक कथाएं, तो सूत्र पिटक का ही भाग है जातक कथाएं। जातक कथाएं का मतलब है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। यह भी पाली भाषा में ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो जातक कथाएं वो किसका भाग था, वो सूत्र पिटक का ही भाग था। तो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं है वो बौद्ध सिद्धांत का भाग नहीं है बोल रहा है, तो क्या ये कथन सही है? यह कथन बिल्कुल गलत है। वो तो ऑब्वियसली बौद्ध सिद्धांतों का ही भाग है, क्योंकि सूत्र पिटक में ही उसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय नाम से ही समझ में आ रहा है विनयशील। विनयशील मतलब वही विनयशील हो सकता है जो किसमें हो, अनुशासन में हो। तो याद रखो विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन के नियम बताए गए हैं। तो किसमें नियम बताए गए हैं, तो वह याद रखना विनय पिटक में बताए गए हैं। इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम बताए गए हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश मतलब कितने उम्र का व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता, जैसे राजा भाग नहीं ले जा सकता, जैसे शुरुआत में तो महिलाओं के प्रवेश में भी प्रतिबंध था। तो इस तरह की बातें जो है वो कहां मिलती है, तो वह आपको विनय पिटक में मिलती है। तो याद रखिएगा यहां पर नियम मिलते हैं भिक्षुओं के लिए। तो ये भिक्षु क्या है, एक्चुअली दो तरह के अनुयायी होते थे बौद्ध धर्म के। पहला जो होता था वो होता था भिक्षुक। भिक्षुक वह जो 10 शील वाले आचरण का पालन करता है वह भिक्षुक। लेकिन दूसरा होता था उपासक। उपासक वो जो गृहस्थी वाला जीवन जीता है, जो 10 शील का पालन नहीं करता, जो ब्रह्मस्थ का पालन नहीं करता, जो गृहस्थी वाला जीवन जीता है वह क्या होता है, वह उपासक होता है, ठीक है। तो यहां पर भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो किसमें दिए गए थे, तो विनय पिटक में। और रचना किसने की थी, उपाली ने रचना की। क्या विनय पिटक का कोई सेंटेंस है? हाँ, लिखा है कि बुद्ध की शिक्षाओं के दार्शनिक विचार है। चलो उससे पहले मैं यहां बता दूं कि ये जो अभिधम्म पिटक है, मोगली पुत्र तिस ने इसकी रचना की थी, ये तो बता दिया। इसमें बौद्ध दर्शन का व्याख्या की गई है, बौद्ध के दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की गई है, तो याद रखना दार्शनिक विचारों की जो व्याख्या है वह अभिधम्म पिटक में की गई है। दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किसने लिखा है, मोगली पुत्र तिस ने लिखा है, और इसी को आप कथा वतु भी कहते हो, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि विनय पिटक तो विनय का मतलब क्या हुआ, नियम हो गए, और नियम किस में लिखे हैं, वो विनय पिटक में लिखे हुए। अभिधम्म पिटक प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा जाता है। यह जो अभिधम्म पिटक है ना, ये क्वेश्चन आंसर स्टाइल में लिखा गया है, यह बिल्कुल सही कथन है। तो बौद्ध साहित्य को हमने देख लिया, त्रिपिटक को हमने देख लिया, तो कोई भी प्रश्न अब इसमें से आएगा तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। हमको क्या बताने हैं, हमको गलत बताने हैं, पहला और दूसरा जो है वो दोनों गलत है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहले तो आपको ग्रंथ दिए गए हैं और फिर बता दिया गया है कि इसमें क्या विषय है, सब्जेक्ट क्या है, वही बौद्ध साहित्य के ऊपर है, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सूत्र पिटक में क्या होते हैं, तो वो बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, हम पूरा देख चुके। विनय नाम से ही आपको याद रखना है, विनय मतलब विनयशील, और विनयशील का मतलब अनुशासन, तो मतलब क्या हो जाएंगे, नियम। संघ से संबंधित नियम किसमें है, वो विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का जिक्र किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो दिखा रहा है ग्रंथ वह है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है, ललित विस्तार बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ललित विस्तार
इसको लिखने वाले थे बौद्ध दर्शन के महान विद्वान जिनका नाम याद रखिएगा नागार्जुन। इनका नाम था नागार्जुन। ये बौद्ध दर्शन के महान विद्वान थे जिन्होंने ललित विस्तार को लिखा था। काफी समय इन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बिताया था। इन्हीं के नाम पर वहां पर भी एक जगह है जिसको आप नागार्जुन कोंडा के नाम से जानते हो। इतना समझना, नागार्जुन कोंडा से नाम से जानते हो। इन्होंने एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, वह भी यहाँ पे देख लो। इन्होंने सापेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सापेक्षवाद या इसी को शून्यवाद, शून्यवाद का प्रतिपादन किया, या फिर आप इसी को कह सकते हो कि इन्होंने माध्यमिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो क्या था, कैसे था, वह इस क्लास में जानने की जरूरत तो आपको नहीं है। बस याद रखना किसने किया था, तो नागार्जुन ने किया था। विचारों के शून्य पर आधारित ये विचार थे, माध्यमिक सिद्धांत। अच्छा, फिर यहां पर यही माध्यमिक सिद्धांत से एक और चीज पकड़ लेना कि इन्होंने एक रचना भी और करी थी जिसको माध्यमिक माध्यमिक कणिका भी कहा जाता है। यह भी किसकी रचना है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है, नागार्जुन की रचना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन हमको करना है। मतलब कौन कौन से सही कथन है ये बताने। बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। आनंद कौन थे, अभी बता चुका हूं, आनंद उनके शिष्य थे जिन्होंने सूत्र पिटक की रचना की थी। देखिए, शुरुआत में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, लेकिन उनके शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। यह बात बिल्कुल सही है। प्रवेश किसको दिया था, तो आपको मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है महामाया था। उनके जन्म के कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी छोटी बहन जो है गौतमी, वही उनका पालन पोषण करती है। नाम याद रखना, गौतमी उनका पालन पोषण करती है। तो इन्हीं को पहला प्रवेश दिया गया था। एक्चुअली भगवान बुद्ध का यह मानना था कि अगर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात जो है बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा, इसीलिए वो महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ थे, ऐसे उनकी थिंकिंग थी। लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने गौतमी को प्रवेश दिया और तब ये जो गौतमी है ये कहलाएंगी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी कहलाएंगी। चलो इतना काफी है इस बारे में। तो बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, कथन बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। और आनंद कौन थे, तो उनके शिष्य थे। भगवान बुद्ध का जो अंतिम वर्षा काल है वह वैशाली में था, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध का जो अंतिम वर्षा काल बीता वह वैशाली में बीता। वर्षा काल का मतलब है कि पहले तो बहुत वर्षा काल के समय ही वो विचार नहीं करते थे, वर्षा काल के दौरान ही भ्रमण नहीं करते थे, तो उनका अंतिम वर्षा काल जो है वैशाली में बीता, क्योंकि वर्षा के समय तो वो अपने स्थल में ही रहते थे। उसके बाद अगला सेंटेंस है, बुद्ध ने सर्वाधिक समय जो है वो श्रावस्ती में बिताया। तो ये श्रावस्ती क्या थी, तो श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी, और कौशल वह दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती कौशल की, और कौशल वह जगह है जो जैन धर्म का भी तीर्थ स्थान था और बौद्ध का भी तीर्थ स्थान था। तो उन्होंने अपना सर्वाधिक समय कौशल में बिताया, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वाधिक प्रवचन जो है वो कहा किए थे, तो उन्होंने अपने सर्वाधिक प्रवचन कौशल यानी कि श्रावस्ती में किए थे। तो ये उत्तर भी यहाँ पर आपका सही बैठता है। उसके बाद फिर बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था, मतलब अंतिम उपदेश तो जाहिर से बात है कुशीनगर में ही दिया था उन्होंने, और लेकिन किसको दिया था, तो अंतिम उपदेश उन्होंने सुभक्ष को दिया था, ये बातें याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, और पूछा क्या है, तीनों ही सही पूछा है, दिस इज द आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही वाले बताने। पहले बौद्ध परिषद में, बौद्ध परिषद या फिर बौद्ध संगीति, गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो है इनके सिद्धांतों को लेकर, इनके नियमों को लेकर बहुत सारे विवाद होने लगे थे, और इसलिए वन बाय वन कुल चार बौद्ध संगीतियां या बौद्ध परिषद हुई थी। उसमें से किसके बारे में बताना है, तो हमको पहले के बारे में बताना है, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति क्या बोल रहा है, केवल विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया। तो कुछ और बातें करते हैं हम पहली बौद्ध संगीति के बारे में। सबसे पहले तो कब हुई थी, तो ये 483 BC में हुई थी, ये याद रखिएगा। कहां हुई थी, तो ये राजा के घर में हुई थी, क्योंकि पहली है तो राजा के घर में ही होगी, इसलिए राजगृह में हुई थी। वहां पर भी स्थान को याद रखना, सप्तपर्णी गुफा जो है वहां पर यह संगीति हुई थी पहली। अच्छा, उस समय किसका शासन काल चल रहा था, तो उस समय जो है अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था। अजात शत्रु कौन था, तो भाई मगध शासन चल रहा था, मगध में भी हर्यक वंश का था अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था, किसकी अध्यक्षता में चल रही थी, तो भाई पहली बौद्ध परिषद थी, बड़ा खान था, बड़ा खान था तो महा होगा, इसीलिए महाकश्यप की अध्यक्षता में चल रही थी।
मतलब इस संगीति में हुआ क्या था, इस परिषद में क्या हुआ था, कोई मुख्य घटना तो हुई थी। हाँ, मुख्य घटना हुई थी, एक तो सुत्त पिटक का यहाँ पर संकलन हुआ था और साथ में यहाँ पर विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो ये सारी बातें जो है पहली बौद्ध परिषद के बारे में है। हुई कितनी, तो चार हुई थी, तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, महासंधिकों ने, ये महासंधिक कौन थे, रूढ़िवादी विनय पिटक को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उनके अपने नियम थे। तो पहले समझते हैं ये महासंधिक थे कौन। महासंधिकों को समझने के लिए हमको दूसरी बौद्ध संगीति करवानी पड़ेगी और दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो हमको 100 सालों के बाद करवानी पड़ेगी, यानी कि 383 BC में करवानी पड़ेगी। उल्टा चलेगा ना, चार के बाद आ जाएगा आपका 3। कहां करवानी पड़ेगी, तो यह संगीति हमको वैशाली में करवानी पड़ेगी, याद रखना बिहार का जगह है वैशाली। अच्छा, इस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो काला शोक का, जिसको काकवर्ण भी कहते हो, उसका शासनकाल चल रहा था। बहुत काला था इसीलिए इसको काला शोक कहा जाता है। बहुत काला तो था, इसको सिर्फ मैं काला नहीं बोलता था, इसको सब काला बोलते थे, इसीलिए किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये सब्बा कामे की अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कुछ मुख्य घटना तो हुई होगी ना, हाँ कुछ मुख्य घटना तो यहाँ पर हुई थी। बौद्ध संघ जो है वह दो भागों में बट गया था, बौद्ध धर्म नहीं बटा था, बौद्ध संघ दो भागों में बटा था, याद रखना। अच्छा, कौन से दो भागों में बटा था, तो वह दो भाग हो गए, पहला तो वो हो गए थेरवादी। थेरवादी कौन थे, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, एकदम रूढ़िवादी होंगे वो लोग थे। पहले तो डिसाइड करते हैं थे कौन लोग, कहां के लोग थे, तो ये वाली कहां पर हो रही है, ये वाली वैशाली में हो रही है, तो वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग थे। ये जो थेरवादी थे ये वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग थे। ये जो नियम होते हैं बौद्ध संघ के, जो नियम होते हैं किसमें लिखे होते हैं, विनय पिटक में लिखे हुए होते हैं, उन नियमों को जैसे है वैसे ही अपनाते थे, रूढ़िवादी होते थे, कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं करते थे। इन्होंने उन सारे नियमों को अपनाया, मतलब जो 10 शील वाले नियम थे उन सारे नियमों को इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के अपनाया और वह लोग क्या कहलाए, थेरवादी कहलाए। और इन थेरवादियों का नेतृत्व भी एक पर्सनालिटी है महाकच्चायन ने किया था, यह भी याद रख लेना। अच्छा, दूसरे कौन होंगे, तो जाहिर सी बात है जो लोग परिवर्तित नियमों को अपनाएंगे, जो विनय पिटक के परिवर्तित नियमों को अपनाएंगे, दसशील में थोड़ा परिवर्तन करना चाहेंगे, वह लोग कहलाएंगे महासांधिक। कौन कहलाएंगे, तो याद रखना क्या कहलाएंगे, महासांधिक। और महासांधिक का नेतृत्व उसी ने किया था जिसने पहली वाली सभा की अध्यक्षता की थी, मतलब ये भी महाकश्यप आ जाएगा, तो याद रखने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। महासांधिक का नेतृत्व तो कौन कर रहा है, महाकश्यप कर रहा है। तो इस तरीके से बौद्ध संघ जो है वह दो भागों में कब बटा था, तो दूसरे वाले बौद्ध संगीति में बटा था। तो स्टेटमेंट अब समझ में आ जाएगा हमको कि रूढ़िवादी विनय पिटक को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उनके अपने नियम है। हाँ, तो सही तो बात है, नजरअंदाज थोड़े किया, उनके अपने नियम है, तो यह स्टेटमेंट भी क्या होता है, बिल्कुल सही। अब है तीसरी बौद्ध परिषद की बात करेंगे, तो देखो जो तीसरी बौद्ध परिषद है कब हुई थी, तो ये 250 BC की बात चल रही है। कहां हुई थी, तो याद रखना पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि एक मौर्य वंश का था। और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मुगली पुत्र दित्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या मुख्य घटना हुई थी, तो इसी तीसरी वाली बौद्ध परिषद में ही अभिधम्य पटक का यहाँ पर संकलन हुआ था। और अभिधम्य पटक क्या है, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध दर्शन यहाँ पर आते हैं। चौथी जो है, तो ये बोल रहा है कि बौद्ध परिषद ने तीनों पिटकों के तीन टिकाओं का संकलन यहाँ पर किया था, तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो काम है, मतलब तीनों टिकाओं की, मतलब तीनों पिटक की जो तीन टिकाएं हैं, ये कंपाइल कहां पर की गई थी, तो चौथे वाले बौद्ध संगीति में कंपाइल की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। अच्छा, सही बताना है गलत, हमको बताना है सही, सो दिस इज द आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यह, अलग अलग जो पहले के जो धर्म चलते थे, जो संप्रदाय चलते थे, उनमें से संबंधित है। तो यह एज इट इज प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को ले रहा हूं। तो देखो, आपको बता दूं, पुरण कश्यप का जो संबंध है, पुरण कश्यप का संबंध अक्रियवादी संप्रदाय से, मक्खली गोमाल का संबंध जो है ये आजीवक संप्रदाय से, अजीत केश कंबलिन का संबंध जो है वो भौतिकवादी संप्रदाय से है, और पकुद कच्चायन का संबंध याद रखना नियतिवादी संप्रदाय से है। काफी इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन रहा है आयोग का। यह जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पूर्व में जो प्रचलित संप्रदाय थे उनमें से लिया गया प्रश्न है, और इनके ये जो फॉलोवर्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से मैच होता है और आंसर इस प्रश्न का होता है बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि दो सूची है जिसमें जैन तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और जन्म स्थान के नाम दिए गए हैं। अब हम जैन धर्म में एंटर करने वाले हैं।
जैन धर्म मतलब तीर्थंकर, और तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थंकर की अगर बात करें, देखो तीर्थंकर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है त्रि और दूसरा है कर। त्रि का मतलब होता है पार लगाना। देखो ऐसे महापुरुष जो नियम बनाते हैं, विशेष नियम विशेष उपदेशों के द्वारा मनुष्य को भवसागर से पार कर जाते हैं, वैसे ही लोग जो है वो, वैसे ही महापुरुष जो है वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो तीर्थंकर हुए टोटल आपके 24। इसमें से प्रमुख प्रमुख के बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर कौन कौन से दिए, पहले दिया है अजीतनाथ, ये दूसरे तीर्थंकर है याद रखना। विमलनाथ जो है ये 13वें तीर्थंकर है। शांतिनाथ जो है ये 16th तीर्थंकर है। और पाशर्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर है। अब इनके अगर बर्थ की बात करें, जन्म की बात करें, तो पाशर्वनाथ का जन्म जो है वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। शांतिनाथ का जन्म हुआ है हस्तिनापुर में। विमलनाथ को याद रखना कांपिल्य में इनका जन्म हुआ था। और अजीतनाथ का जो जन्म है वह अयोध्या में हुआ था। शुरुआत के जो काफी सारे तीर्थंकर है उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और हस्तिनापुर में भी काफी तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। प्रमुख प्रमुख तीर्थंकरों की हम बात करने वाले हैं। ये मैंने आपको इनके बता दिए कि इनका जन्म कहां पर होता है, और इनका नंबर मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ प्रमुख की बात करते हैं, तो सबसे पहले वाले प्रमुख होंगे, दूसरे प्रमुख होंगे, फिर 23वें नंबर वाले, और फिर 24वें नंबर वाले। पहले का नाम आपको पता होगा, ये जो नाम है ये ऋषभ देव जो है, जिनको अरिष्ट नेमी के नाम से भी जाना जाता है, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे शुरुआत में थे। उसके बाद इनके प्रतीक के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इनका प्रतीक जो है वो सांड इनका प्रतीक है। दूसरे जो तीर्थंकर है वह है अजीतनाथ, अभी हमने देख लिया है अजीतनाथ को। अजीतनाथ जो है इनका प्रतीक है हाथी। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो बोलना है ऋषभदेव, और दूसरे कौन हुए, तो दूसरे हुए अजीतनाथ। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो हम पाशर्वनाथ के बारे में बात करेंगे। देखिए पाशर्वनाथ जो है महावीर स्वामी के जस्ट पहले वाले तीर्थंकर हुए, और इन्होंने चार शिक्षाएं भी दी थी, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, चार शिक्षाएं दी थी। पांचवी शिक्षा बाद में महावीर स्वामी जोड़ने वाले थे। ये चार शिक्षाएं देने का काम किसने किया है, तो पाशर्वनाथ ने ही यह काम किया है, क्योंकि महावीर स्वामी के जो पिता थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, वह जो है पाशर्वनाथ के ही फॉलोवर थे, और इसी का उन्हीं का इंपैक्ट पड़ा कि उस पर, तो अजीत महावीर स्वामी पर भी उनका ही इंपैक्ट पड़ा था। तो सिद्धार्थ नाम से यह भी याद आया कि अगर आपसे यह पूछे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर पूछेगा तो वहां पर सिद्धार्थ। और एग्जाम में पाशर्वनाथ से एक और प्रश्न आता है कि इनके अनुयायियों को कहा क्या जाता था, तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। किसके अनुयायियों को, तो पाशर्वनाथ के अनुयायियों को। चलो ये सब बातें हमने पाशर्वनाथ के बारे में कही, और इनका भी प्रतीक डिस्कस करते हैं। इनका प्रतीक थे सर्प। 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जिनको महावीर कहा जाता था, जिनको कैवल्य कहा जाता था, जिनको जिन कहा जाता था, जिन मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत ले इसका मतलब होता है विजेता, यह सब नाम जो है महावीर स्वामी के हैं। और क्योंकि ये महावीर थे इसीलिए इनका प्रतीक में आपको याद रखना है, इनका प्रतीक जो है सिंह। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, जबकि आदिनाथ जो है वह जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया था, इसीलिए महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी के बारे में फैक्ट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो 540 BC से 400-468 BC के मध्य इनका जन्म हुआ था। मतलब इनकी आयु जो है वो 72 वर्ष इनकी आयु रही थी, जबकि हमने देखा गौतम बुद्ध की जो आयु है वो 80 वर्ष रही थी। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान में आपको याद रखना है वैशाली इनका जन्म स्थान था, जबकि हमने देखा कपिलवस्तु लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी, जबकि हमने देखा कि कुशीनगर में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। तो इतना सब हम महावीर स्वामी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। विमलनाथ का भी अगर प्रतीक पूछा जाए तो विमलनाथ का प्रतीक जो है वह शुगर इनका प्रतीक है, और शांतिनाथ का प्रतीक अगर देखा जाए तो शेरण जो है वो काफी शांत रहता है, इसीलिए शांतिनाथ का प्रतीक जो है वह है हिरण। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आता है यह निकल कर आता है डी। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कि कौन कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो मैं बता दूं जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो था सम्यक ज्ञान, उसके बाद बात करते हैं सम्यक दर्शन की, और उसके बाद बात करते हैं सम्यक आचरण की।
ये तीन चीजें जो है ये जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में जानी जाती हैं। याद रख लीजिएगा, पहले तो ज्ञान प्राप्त करोगे और फिर दर्शन, और उसके बाद उसके अनुसार अपना आचरण ढालोगे, तब जाकर आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, यह जैन धर्म कहता है। सम्यक ज्ञान का मतलब है व्यक्ति का ज्ञान जो है वह भी सम्यक होना चाहिए। ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति जो है क्रोध में, मोह माया में, तृष्णा में फंस जाता है और अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देता है, और उस ज्ञान के लिए आपको तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण करना होगा। यह है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब है सभी को समान रूप से देखना, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना, अपना दर्शन ऐसा बनाना कि सभी जो है वह समान दिखे, ये कहलाता है समान दर्शन। और इन दो चीजों को अपने व्यवहार में उतारो, और इसी को कहा गया है सम्यक आचरण। मतलब अपना चरित्र और व्यवहार ऐसा बनाना, ये कहलाता है सम्यक आचरण। मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को फॉलो यहाँ पर आपको करना होगा, और जितने भी उपदेश आपने दिखे हैं उन उपदेशों को फॉलो करना कहलाता है सम्यक आचरण। तो याद रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जिसको आप आस्था भी कहते हो, और दूसरा होगा सम्यक आचरण, यानी कि एक दो और तीन, सम्यक वाक बिल्कुल नहीं है, यह है करेक्ट आंसर। और यह जो सम्यक वाक दिख रहा है यह तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है, और बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, यह सम्यक वाक तो उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताना है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। तो जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमको पता होना चाहिए कि पंच महाव्रत जो है वो जैन धर्म के शिक्षा में आता है। पंच महाव्रत के हिसाब से अभी जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, एक था सत्य, दूसरा था अहिंसा, अहिंसा मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, दूसरा होगा अस्ते, चोरी ना करना, चौथा होगा अपरिग्रह, मतलब धन का, अधिक धन का संचय ना करना, भाई जितनी जरूरत हो उतना ही धन रखो, और अगला था आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये पांचवी जो शिक्षा है ये किसने दिया था? तो महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर ने यह पांचवी शिक्षा हमको दी। तो ये पंच महाव्रत जो है यह जैन धर्म की शिक्षा में आते हैं। अच्छा, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म की तरह यह वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। पहले तो बोला कि बौद्ध धर्म की तरह, इससे ये बात तो साफ है कि बौद्ध धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। लेकिन अब हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जैन धर्म जो है इसके ये पांच अणुव्रत तो थे ही, साथ में ये भगवान एग्जिस्ट करते हैं यह कहता है। हाँ भाई, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यह जो भगवान है ये तीर्थंकर से लोअर है, तीर्थंकर से नीचे है, ऐसा कहता है जैन धर्म। ये इसके सिद्धांत हो गए। लेकिन यह याद रखना कि जैन धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता था। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसकी निंदा नहीं करता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भगवान महावीर के हिसाब से कि व्यक्ति का निचले वर्ग में जन्म लेना या उच्च वर्ग में जन्म लेना यह उसके कर्मों पर आधारित होता है, पाप और पुण्य पर आधारित होता है। जो लोअर वर्ग का व्यक्ति है वह अच्छे कर्म करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी जो है यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते थे। अगर नहीं करते थे बोल रहा है, तो यह कथन क्या सत्य हुआ क्या? नहीं, यह कथन गलत हुआ। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सही निकालना है। और बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, तो निंदा ये नहीं करता। यह मुख्य रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखता है। यही जो मेन एम था जैन धर्म का, वह यही था कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, निर्वाण प्राप्ति करना, यही उसका लक्ष्य था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, तो जो आंसर है वो आ जाएगा केवल टू। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी जैन संघ के संबंध में है, और आपको बताना है कि यह मौर्य युग के दौरान दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। यह जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको जैन संगीति के बारे में बता दूं। जैन जो दो संगीतियां हुई, जिसमें पहली संगीति की बात करूंगा, और यह लगभग 300 BC के आसपास हुई थी। कहां हुई थी तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय शासक था। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बचेगा स्थूलभद्र, जो है इस संगीति के अध्यक्ष होंगे स्थूलभद्र। अगर याद कर लिए तो एक और आपको नाम याद रखना होगा, वो है भद्रबाहु। देखिए भद्रबाहु, अब देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि पहले कौन से अध्यक्ष थे। भद्रबाहु जो थे ये जब 312 BC की बात है, मतलब जब 12 साल का अकाल यहाँ पर पड़ा था, तब जो भद्रबाहु है वो चले गए थे कर्नाटक।
उस समय ये कर्नाटक चले गए थे। कौन चले गए थे? तो भद्रबाहु। तो 12 साल के बाद जब ये वापस आए तो इन दोनों के बीच में, मतलब भद्रबाहु और थुल भाद्र के बीच में मतभेद हुए, और उन मतभेदों के आधार पर ही जैन संघ के दो भागों में बंटवारा हो गया। दो भाग में पहला जो भाग था वो था श्वेतांबर, और दूसरे जो लोग थे वो कहलाए थे दिगंबर। तो पहले तो ये बात को याद रखना कि यह जो हुआ था, मतलब जो विघटन दो भागों में हुआ था, कौन सी संगीति में हुआ था, तो ये पहली संगीति के आधार पर हुआ था। एक था श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। तो कौन दिगंबर के नेतृत्व करता थे? तो दिगंबर के नेतृत्व करता थे भद्रबाहु जो है वो दिगंबर के नेतृत्व करता थे, और थुल भाद्र जो है वो श्वेतांबर के नेतृत्व करता था। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है दिक् धन अंबर। दिक् धन अंबर, दिक् का मतलब होगा दिशाएं और अंबर का मतलब होगा वस्त्र। इसका मतलब यह है कि जिनके दिशाएं ही जिनके वस्त्र है वह कहलाएंगे दिगंबर। इसका मतलब ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये नग्नावस्था में रहते थे। वहीं अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वह कहलाते थे श्वेतांबर। ये डिफरेंस को हमने देखा। उसके बाद ये जो दिगंबर थे इनके जो नियम थे कठोरता से ये नियम को पालन करते थे, मतलब सारे नियमों को कठोरता से पालन करते थे। ये जो है कट्टरपंथी संप्रदायों का, मतलब कट्टरपंथी लोगों का ही एक ग्रुप था जो दिगंबर जो है वो कट्टरपंथी संप्रदाय था। वहीं अगर हम बात करें श्वेतांबर की तो इनके नियम जो है वो लचीले थे, भोजन ग्रहण कर सकते थे, महिलाओं के लिए यहाँ पर निर्वाण भी आवश्यक था। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये उदार वृत्ति के थे, और धार्मिक स्थितियों में नियमों में परिस्थितियों के अनुसार नियम में कुछ परिवर्तन भी के भी समर्थक थे। तो इस तरीके से लचीला जो नियम थे वो श्वेतांबर थे और इनके नियम जो है वो कठोर थे। चलो बात करते हैं क्या बोल रहा है। मौर्य युग के दौरान विभाजन हुआ था। हाँ भाई, अगर चंद्रगुप्त मौर्य शासक है तो मौर्य युग के दौरान ही विभाजन हुआ होगा। दूसरा, श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो धर्म के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता था, नहीं इनके तो नियम लचीले थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय उदार था, नहीं उदार कौन सा था, श्वेतांबर था। तो यह स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है, चेक कर लो, निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है। तो सही कौन सा है जी? केवल एक सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संलेखना एक धार्मिक प्रथा है, यह आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। संलेखना एक धार्मिक प्रथा है, किस धर्म से संबंधित है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। मृत्यु को निकट जानकर अपनाई जाने वाली यह एक प्रथा है जो कि जैन धर्म में प्रचलित है। इस संलेखना को आप कुछ और नाम से भी जानते हो, इसको संथारा भी कहा जाता है, साथ में इसको समाधि मरण की प्रथा भी ये कहा जाता है, समाधि मरण की प्रथा भी कहा जाता है। तो यह दोनों ही प्रथाएं आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन से धर्म संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जब मृत्यु पास होती है तब व्यक्ति खुद से ही खाना पीना छोड़ देता है, और इस संलेखना का अर्थ होता है सत प्लस लेखना। सत प्लस लेखना कहा जाता है, मतलब सम्यक तरीके से अपनी काया को कमजोर करना, अपनी मांसपेशियों को कमजोर करना, यही कहलाता है संलेखना। तो यह किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।